अरे यार, ये इतना बड़े बड़े घर, इतनी बड़ी बड़ी गली, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे मम्मी पापा कहाँ है? पापा जी, मम्मी जी सुन लीजिए ना प्लीज, अब मजाक मत कीजिए गाइस। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ लुका छुपी खेल रहे थे, तभी कुछ लोग आए और उनको उठा के ले गए। अरे बाप रे, वो सामने कौन है? उन अंकल से मदद मांगते हैं। अंकल जी मेरी बात सुनिए। क्या बात है बच्चा, बोला? मेरे मम्मी पापा को कुछ लोग उठा के ले गए, प्लीज आप पुलिस पे कॉल लगा दीजिए, आप ही बचा लीजिए उनको। ऐसी बात है, नहीं, चल मैं लेके चलता हूँ तेरे मम्मी पापा के पास। नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, आप गंदे अंकल लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बस तुझे मेरे लिए कुछ काम करना होगा, उसके बाद जिंदगी भर मैं तुझे अपने पास रखूंगा। अरे भागो भागो भागो, ये बुरे अंकल है, ये मुझे पकड़ रहे, बचाओ। अरे गाइस प्लीज मुझे बचा लो, मैं छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया और ये मुझे मारने आ गए। प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। कोई मदद नहीं करेगा बच्चे तेरी, आज के बाद तू मेरा गुलाम है। आप कितने गंदे अंकल हैं, आपकी शक्ल छी कितनी गंदी है, आवाज भी, आप तो बिल्कुल गंदे गंदे। मजा आता है कोई मुझे गंदा बोलता है, क्योंकि मैं हूँ ही गंदा है, मुझे गंदगी पसंद है। फिर भी मैं तुझसे सफाई करवाऊंगा, तो मेरी बात सुन, हाथ में झाड़ू ले, पोछा ले और यहाँ की सफाई कर। और हाँ, खाना रात को मिलेगा, बस एक टाइम खाने, समझा? सुसु की तो मारूंगा। अरे बाप रे, आप कितने बुरे अंकल हैं। गाइस ये इन्होंने मुझे काम पे लगा दिया, मुझसे पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। कोई तो बचा लो इस गरीब बच्चे को, मेरा क्या होगा? कोई मुझे अच्छा सा अंकल अडॉप्ट कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्या करूं, जा जाऊं। अरे बाप रे, कोई तो बचाओ मुझे। अरे ये किसके रोने की आवाज आ रही है, जावेस एक मिनट स्कैन करता हूँ, ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? अरे बाप रे, इसके हाथ में ड्रिल मशीन क्या कर रही है? ए छोटे से बच्चे, पागल पागल हो क्या? तुम्हारी उम्र तो देखो, और तुमसे लंबी तो ये ड्रिल मशीन है, क्या कर रहे हो उसके साथ? अरे क्या करे अंकल जी, हम गरीब आदमी और क्या कर सकते हैं, हम गुलाम है उस ज़ॉम्बी हल्क के। ओ कहाँ पर है वो ज़ॉम्बी हल्क, मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी आजाद कराता हूँ, तुम अनाथ हो क्या? बिल्कुल मैं अनाथ हूँ। अरे गाइस, ये छोटा सा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, प्लीज इसके सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। मैं तब तक इस ज़ॉम्बी आयरन मैन को मारता हूँ। एक मिनट, ये तो ज़ॉम्बी हल्क है। मैंने सोचा ज़ॉम्बी आयरन क्या करूँ, मैं सूट इतने बनाता हूँ कि खुद को ज़ॉम्बी हल्क समझने लगा हूँ। अरे क्या बोला जा रहा है, पागल पागल हो गया क्या तू? मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटे से बच्चे को ड्रिल मशीन देने की, गुलाम बनाने की? मेरी मर्जी, कुछ भी करूंगा। अरे क्यों मार रहा है इतनी बुरी तरह से, छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मैं बेशक बौखला रहा उस समय, क्योंकि मैंने इतने से बच्चे को इस तरह से काम करते देखा, मैं होश में नहीं रहा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों से इतनी मेहनतें करवाते हो? मुझे गुस्सा ज्यादा आ गया गाइस, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो उस छोटे बच्चे के पास चलते हैं, जाके उसको बताते हैं कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। मेरी बात सुनो छोटे बच्चे। जी बोलिए। मेरे मम्मी पापा भी किसी एक्सीडेंट में चले गए मुझे छोड़ के, उस वजह से मैं भी आज तक अनाथ हूँ। क्या मेरे साथ रहोगे, मेरे बेटे बनोगे? अरे ऐसी बात है, मुझे बहुत दुख हुआ सुन के। ठीक है, मैं तैयार हूँ पापा जी। क्या बात है, अभी से मेरे पापा भी बोलने लगे, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो मेरे साथ। आप मुझे कहाँ उड़ा के लेके जा रहे हैं? अरे बाप रे, मुझे डर लगता है ऊंचाई से। कोई बात नहीं है, एक समय ऐसा होगा तुम आसमानों की ऊंचाई को छू जाओगे और बहुत प्यार से घर पर वापस आ जाया करोगे। आप वैसे मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जा रहा हूँ, एक्चुअली वो अपना नहीं, हम दोनों का घर है। देखो कितना प्यारा मेंशन है हमारा। ये वैसे अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन बच्चे आओ, देखो हमारा प्यारा सा घर है और तू प्यारा सा बच्चा। आज के बाद कोई भी तुम्हें अनाथ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं आपका घर देखने जा रहा हूँ, मेरा मतलब अपना। अरे बाप रे, यहाँ तो कितने कमाल कमाल की गैजेट्स हैं, देखिए गाइस, ये तो बहुत ही कूल घर है। अरे वाह, मजा आ गया, मैंने कभी नहीं सोचा था गुलामी की जिंदगी छोड़कर इतनी अच्छी जिंदगी जीऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए पापा जी। अरे बच्चे लग जाएगी आराम से। अरे बात सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरी तरह या मुझसे भी ज़्यादा होनहार आयरन मैन बनना है, वो भी आयरन बोल गॉड लेवल का, उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इस दुनिया में हमारे विलन्स बहुत हैं, क्योंकि हम सुपर हीरो हैं। जी मैं जानता हूँ, एक सुपर हीरो तो मतलब बहुत सारे विलन। बहुत समझदार हो बच्चे। जी अब मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ। हाँ, और ये ये 71 बार हो गया गाइस, फाइनली। क्या बात है, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, मुझे अपना संतुलन बना के रखना होगा। अरे बहुत ही सही, बहुत ही सही। ये देखिए गाइस, सुबह सुबह ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है ना, पूरी बॉडी खुल जाती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, कहाँ पर हो? जी पापा जी, मैं ऊपर हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्या बात है, मेहनत कर रहे हो, एक्सरसाइज कहते हैं वैसे इसको। कोई बात नहीं है, चलो तुम्हें मेहनत भी करवाते हैं। किस तरह की मेहनत, मैं समझा नहीं। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नए ट्रेनिंग गैजेट्स लेकर
लेकर आया हूँ, उनका यूज़ करके तुम बहुत स्मार्ट बन जाओगे और हाँ 10 दिन की मेहनत को तुम 1 दिन में वसूल कर लोगे। ऐसी बात है क्या? इसका मतलब अगर मैं 10 दिन की मेहनत 1 दिन में करूँगा तो 10 दिन जितना थक भी तो जाऊँगा। हाँ ये बात तो है। अरे बाप रे बाबा जी, हाँ इतनी मेहनत करवाते हैं। देखो मेरे बच्चे, सामने तुम्हें पहली ट्रेनिंग है, ये कुछ बोर्ड्स दिख रहे हैं, इनको हिट करना है और उसके बाद आयरन मैन के गैजेट्स को पहनकर इन सब पर तुझे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। ऐसी बात है। सो गाइस चलो अपने पापा जी को दिखा देते हैं, हम भी उनके बेटे हैं, उनसे बेटर करके दिखाएंगे। कोई नहीं, हैक तो मिस हो जाता है ये। अरे तूने 2 मिस कर दिए, कोई बात नहीं है पापा जी, 3 तो मार दिए ना। एक बोर्ड पे नहीं मारना है, औरों पे मार, समझ गया? बस ये अरे गाइस ये बहुत ही हाई लेवल के वेपन्स है, कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए। मेरे बच्चे ऐसी बात नहीं है, मेरे गैजेट्स ऐसे हैं जो मेंटल स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान दो, फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारे गैजेट संभाल लेंगे। क्या बात है पापा जी, काफी जीनियस है आप तो। चलो गाइस अब एक काम करते हैं, हम बस अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं और अरे 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 बस 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 मुझे बैलेंस करना होगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है दुनिया में और तुम्हारे इन गैजेट्स में भी। बिल्कुल पापा जी, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई कैन डू इट, कम ऑन। चलो गाइस आगे और बढ़ते हैं, मैं कर सकता हूँ ये। क्या बात है, चल चल बेटा तू कर सकता है फ्रैंकलिन। क्या बात है, लास्ट वाला और ये बस। अरे वाह गाइस, मैंने सारे टास्क पूरे कर लिए, मजा आ गया। चलो पापा के पास वापस चलते हैं और पूछते हैं अब कौन से टास्क हैं, वो तो मेरे कप ऑफ टी जैसे होंगे। क्या बात है, तुमने ये वाला टास्क भी बहुत अच्छी तरह से पूरे कर लिए। देखा पापा जी कैसे कर दिए मैंने सारे टास्क इतनी आसानी से पूरे। बिल्कुल पूरे कर दिए तुमने। चलो अब तुम्हें और टास्क बताएंगे, फिलहाल आराम करो। जल्दी जल्दी चलता हूँ। आज तो स्टोन स्टॉक के स्टॉक मेंशन को फाड़ दूंगा, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। ये क्या, ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, करते रहो बेटा ट्रेनिंग, पूरा स्टॉक मेंशन फाड़ दूंगा, सब कुछ बर्बाद, कोई सुपर हीरो नहीं, कुछ नहीं बचेगा, अंदर भी जाके बॉम्ब लगाता हूँ, चारों तरफ बॉम्ब्स ही बॉम्ब्स फिट कर देता हूँ, ये ले बॉम्ब्स, ये ले बॉम्ब्स, ये ले बॉम्ब्स, चारों तरफ सिर्फ बॉम्ब्स ही बॉम्ब्स, यहाँ भी लगाता हूँ, ये ले बेटा चारों तरफ बॉम्ब लग चुके हैं, चलो बाहर चलते हैं, अब समय आ चुका है धमाके का, हा 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 हा, मजा आ जाएगा, बाप बेटे भी मर जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये लो धमाका। अरे बाप रे ये क्या हुआ, मेरी बात सुन फ्रैंकलिन, जल्दी यहाँ से भाग। अरे पापा जी ये क्या, हमारा स्टॉक पेंशन कैसे फट गया, मुझे अंदर जाना होगा। नहीं बच्चे तू अंदर नहीं जा सकता, मेरे साथ चल। लेकिन पापा हमारा स्टॉक पेंशन। नहीं बच्चे उसको हम दोबारा बना लेंगे, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा ये किस गुस्ताख। अरे अच्छा तो इस गुस्ताख ने किया ये। तुम लोग बची गए, कोई बात नहीं है, तुम्हारा स्टॉक मेंशन तो फट गया, इस जैसे स्टॉक मेंशन में 1000 बना लूंगा, जब तक मैं और मेरा बेटा जिंदा है तब तक हमारा नाम कोई नहीं मिटा सकता। क्या बकवास कर रहा है टोनी स्टॉक, रुक बताता हूँ। अरे बाप रे बेटा भाग। हाँ पापा जी मैं तो भाग रहा हूँ। भागो भागो, ये पकड़ा तुझे, तेरा नाम मिटाने की बात चल रही थी ना तेरे जिंदा होने की, तो रुक इस परेशानी को अभी खत्म करता हूँ, ये ले। मर गया आयरन मैन, सब खत्म, अब वो पिद्दी सा बेटा क्या कर लेगा, जब वो बेटा भी उभरेगा उसको भी खत्म कर दूंगा, फिलहाल यहाँ सिर्फ मेरा राज होगा, कुछ नहीं बचा, ना स्टॉक ना उसका मेंशन, चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे गाइस ये क्या, मुझे बहुत दूर भाग कर आना पड़ा, पता नहीं पापा कहाँ रह गए, जल्दी जल्दी मुझे वापस जाना चाहिए। अरे भाई साहब बहुत बड़ी परेशानी हो गई, पता नहीं मेरे पापा ठीक होंगे भी या नहीं। अरे बाप रे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो गाइस जैसे ही उस दिन मैं वापस गया था अपने स्टॉक मेंशन चेक करने, मैंने देखा मेरे पापा बहुत ही बुरी हालत में 2 हिस्सों में बटे पड़े थे। उस रेड हल्क ने मेरे पापा के साथ इतना गलत किया, ये उसकी बहुत ही बड़ी आखिरी गलती थी और उस दिन के बाद मैंने ठान लिया मैं अपने पापा के सूट को दोबारा बनाऊंगा, जो कि आज मैंने बना लिया है। तो गाइस चलो आज इंतकाम का टाइम है, हम जाएंगे उस रेड डेविल हल्क को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम अपना स्टॉक मेंशन दोबारा बनाएंगे और ज़्यादा बेटर बनाएंगे, हमें अपने पापा को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही उनको भूलने दूंगा। इसलिए गाइस हमारे पापा की यादें इस दुनिया को हमेशा तरोताज़ा रखेंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे उस रेड डेविल हल्क को ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस मेरा सूट बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ये मैंने सक्सेसफुली देख लिया है, देखिए गाइस ये मेरी पावर्स भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अब चलते हैं दोस्तों उस रेड डेविल हल्क को ढूंढने, हम उसको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, उसकी गलती बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। कांप रहा है, कौन है तू, एक मिनट टोनी स्टार्क, तू यहाँ कैसे आ गया, नहीं तू ये नहीं हो सकता,
टोनी स्टार्क को तो मैंने खुद अपने हाथों से मारा था, उसकी मुंडी काट दी थी। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनके जैसा ही दिखता हूँ क्योंकि मेरे संस्कार उन्हीं से आए हैं। तो बहुत बकवास करना सीख गया तू, हो गया बड़ा, कोई बात नहीं है। मैंने जिस तरह से तेरे बाप को मारा था उससे भी खतरनाक तरीके से तुझे मारूंगा। गाइस ये बहुत बकवास कर रहा है, चलो इसके बकवास को जिंदगी भर के लिए खत्म करते हैं। पिल्ले बहुत बोल रहा है तू, रुक बताता हूँ। ये रह तेरी तो ये रह, ये पिल्ला ही तुझे आज खत्म कर देगा। आह गाइस एक काम करते हैं, अरे बाप रे ये अभी भी मर नहीं रहा है, मर जा। ये ले, तुझ में इतनी पावर्स कहाँ से आई? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के विश्वास की वजह से हुआ है, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हमेशा, इसीलिए मैं उनका बदला लेने के लिए इस हद तक आ गया हूँ, समझा डेविल। फाइनली गाइस हमने रेड डेविल को पूरी तरह से खाक बदल में बदल दिया है, अब जल्दी घर वापस जाते हैं। कितने दिन हो गए मैंने चैन की नींद नहीं ली। बाकी गाइस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।